गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस जैसा बच्चा आप लोग जान रहे हो अभी विजन पॉइंट ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन चैनल क्रिएट किया था और आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो लेके आए थे 11 ट्वेल्थ नीट एंड अदर कोर्सेज के लिए जो आपको लेक्चर दिए जा रहे थे प्रॉपर वे में आप लोगों को दिया गया बट वहाँ कुछ इशूज़ क्रिएट हो गए कि वहाँ पे वॉइस क्लियर नहीं है सर ऐसा है ये है अब इसको दूर करने के लिए विज़न पॉइंट आप लोगों के लिए फुल्ली डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आया है हमारे ओनर हमारे सर सत्यानंद सर ने आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे विज़न पॉइंट की पूरी टीम आप लोगों के लिए वर्कआउट कर रही है और आपको बेहतर कोर्सेज देने की कोशिश की जा रही है तो आप लोग थोड़ा देर जरूर हुआ है बट आप लोग एकदम लग के देखिए और आपका जो फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन के कोर्सेज़ हैं वो आपको हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और आप लोग जुड़ के देखेंगे तो पूरा सिलेबस आपको समझ में आएगा बढ़िया लगेगा बट आप लोग इसको कंटिन्यूटी मेंटेन करिएगा ऐसा नहीं आज देखा कल हटा दिया अब बात करते बेटा हम आपको क्या बताएंगे याद रखिए हम विकास सर एम हम आपको विजन पॉइंट में बायो का फुल सिलेबस आपके लिए लेके आए हैं ओके तो आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन हो चुका मैंने अभी बताया आई एम विकास सिंह एम आगे हम आपके लिए बायो का बेटा फुल सिलेबस लेके आए हैं जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का जो आपका चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप देख रहे हो वो स्क्रीन पे क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा है क्या इसमें हमें क्या चीज़ें सीखनी हैं क्या चीज़ें पढ़ना है आज के लेक्चर में हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं ओके तो आइए हम बात करते हैं हमारा कौन सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो आइए हम लोग बात करते हैं आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टेस्ट पूरा का पूरा फोकस हमारा आज किस पे होगा कि जो ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इंटरनल स्ट्रक्चर है इस पे हम आप डिस्कस करेंगे अब इनमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई जानी हैं आइए हम आपको एक बार रिटर्न में बताते हैं कि क्या ऑर्गन या क्या ग्लैंड्स कौन से स्ट्रक्चर किसके फंक्शन आप डिस्कस करोगे ओके तो आप जैसा आपको अभी भी हमने कहा हम डिस्कस करने वाले हैं पे ्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके बेटा आप जैसा आप जानते हो कि ह्यूमन मेल रिपोर्टक्टिव सिस्टम में क्या चीजें हम आपको बताने वाले हैं देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है यू नो दैट मेल रिपोर्टिव ग्लैंड होते हैं और मेल स्ट्रक्चर होते हैं तो याद रखिएगा इसमें दो चीजों पर हम अभी फोकस करने वाले हैं पहले नंबर पे आप देखोगे बेटा क्या चीजें आपको दिखने वाली हैं जो स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं ह्यूमन मेल के स्क्रोटम सेकेंड नंबर पे आप बात करोगे टेस्टिस थर्ड नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं स एफ्रेंसिया डेफ्रेंस यूरेथ्रा, पेनिस बेटा देखिए ये मेजर जो कंपोनेंट है वो आपको यहां पे लिख के बताए जा रहे हैं बट अभी हम लोग इसको स्ट्रक्चर अभी हम आपको समझाने वाले हैं कुछ ग्लैंड्स के विषय में हम जान लेते कौन सी हैं ग्लैंड्स तो हैं यहां पे आपको तीन ग्लैंड्स भी दिखेंगे आपको जो पहले नंबर पे ग्लैंड दिखेगा बेटा वो होगा सेमिनल वेसिकल सेमिनल वेसिकल सेकेंड नंबर पे जो ग्लैंड होगा वो होगा प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड थर्ड नंबर पे जो ग्लैंड आपको हम बताएंगे वो होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नेम जो हमने डिस्कस किया था बाई नेम हमने कहा आपको ये जो नेम लिखे हुए हैं आपके सामने बेटा इस पे हम वन बाई वन आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझाएंगे ओके तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे वो कहाँ पे हमें दिखेंगे ग्लैंड्स और चीजें आपको क्लियरली कौन सी ग्लैंड है कौन से डग हैं पे हम लोग डिस्कस करने वाले थे ओके नो तो स्टडी देखिए हम लोग अभी भी हमने बात किया स्क्रोटम का अब स्क्रोटम यहाँ पे टर्म आपको नहीं दिख रहा होगा बट आप देखो यहाँ टेस्टिस आपको नजर आ रहा होगा टेस्टिस कहाँ पे है ये देखिए स्ट्रक्चर आपको टेस्टिस दिख रहा होगा ओके okay. तो बेटा हम आपको समझाएं और बताएं तो आप क्लियर समझिएगा जो टेस्टिस जिस सैक में यहां पे है ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा टेस्टिस जिस सैक में आपको दिख रहा है बेटा इस सैक को हम क्या कहेंगे इस सैक को हम स्क्रोटम कहेंगे ओके okay. अब बात ही आती है स्क्रोटम हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है तो इसका एडवांटेज क्या क्यों बाहर है यदि ये स्क्रोटम एबडोम कैविटी में होता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती आइए इस पर हम आपको डिस्कस करते हैं हम लोग बेटा स्क्रोटम बॉडी के बाहर होने का मतलब साफ है कि टेस्टिस एबडोमल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है और टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है बीबी हमने कहा एबडोमल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको दिखेगा वो क्या होगा यहां पे एडवांटेज दिखेगा कि ये नियर अबाउट जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना मिनिमाइज करता है यू नो दैट याद रखिएगा कि स्क्रोटम जो बॉडी टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 2.5 पॉइंट टू थ्री डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मिनिमाइज करता है क्या फायदा हो जाएगा बात तो इस पे आती है टेम्परेचर कम हो गया तो फायदा क्या होगा हमारा फायदा ये होगा एडवांटेज ये है कि जो टेस्टिस है ये बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर इस पम्प का फार्मेशन करता है तो पम्प फार्मेशन बेटर चाहिए तो हमारा जो स्क्रोटम है वो सपोर्ट करता है टेस्टिस आउटसाइड है जिससे हमें मदद मिलेगी किसमें इस परमेटो जेनेसिस में फ़ायदा होगा आइए इस पर हम लोगों ने बात किया स्क्रोटम का क्या रोल है आपको समझ में आ चुका होगा कि हाँ स्क्रोटम क्या हेल्प करता है स्क्रोटम जो मदद करता है आप ह्यूमन बॉडी का वो इस में हेल्प करता है ओके आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं यहां पे हमें क्या मिलेगा दूसरे नंबर पे अभी भी हमने कहा आपको टेस्टिस दिखेगा ओके तो सेकेंड नंबर पर आप देखिए टेस्टिस लिखा हुआ टेस्टिस है क्या पहले हम प्राइमरी रोल पे बात करेंगे देन हम डिटेल स्टडी पे बात करेंगे ओके तो प्राइमरी रोल ऑफ टेस्टिस की हम बात कर लें तो हमें यहां पे दो प्राइमरी रोल टेस्टिस के नजर आते हैं टेस्ट इज ह्यूमन मेल का प्राइमरी you know तो से in okay? तो सबसे बड़ा रोल आपको मैं बता रहा हूं यदि न हो तो ह्यूमन बॉडी में स्पम का फॉर्मेशन नहीं होगा इट मीन दैट देर प्राइमरी रोल इज फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाना काम है स्पम बनाने का काम है याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी में और कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो स्पम बना सके ओनली टेस्ट दूसरा रोल की हम सेकेंड रोल की बात करते हैं सेकेंड रोल हम यहां पर क्या बताने वाले हैं आप सेकेंड रोल पर बात करोगे तो टेस्टिस का सेकेंड रोल है मेल हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना वैसे हम बाई नेम बताएं आपको तो मेल सेक्स हार्मोन्स होता क्या कौन सा नाम आपको याद रखना है तो याद रखिएगा यहां पे जो टर्म आपको याद कराया जाएगा वो है टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन्स विच रिलीज फ्रॉम टेस्टिस। इट इन्वॉल्व कहाँ इन्वॉल्वमेंट है इसका इट इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स ऑफ द मेल कहां इन्वॉल्वमेंट है अभी भी क्लियरली हमने कहा इसका इन्वॉल्वमेंट है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ मेल का फॉर्मिशन और कंट्रोल करना ओके okay? तो बेटा यहाँ पे अभी हम लोग वन बाई वन के हम लोग फंक्शन समझ रहे हैं एक एक नाम समझ रहे हैं आप समझ लीजिए वन टेस्टिस को अभी हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी हम डिस्कस करने वाले हमने कहा था आपको दो चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे पहला ह्यूमन मेल रिपोर्टरी सिस्टम पे बात करेंगे और सेकेंड नंबर पर किस पे डिस्कस करना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पे डिस्कस करना है ओके okay? तो आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा ये तो रोल हो गया टेस्टिस का आपको समझ में आ चुका है कि क्या रोल टेस्टिस क्या रोल प्ले करता है अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे टेस्टिस स्पम को बनाएगा तो अदर जो आपके ऑर्गन हैं इनका क्या रोल होगा तो वन बाय वन हम रोल पे डिस्कस करने वाले हैं ओके तो आइए देखें टेस्टिस आप देखोगे तो यहां पे आपको नेम दिखाई दे रहा होगा एपीडिडाइमिस e. एपीडिडाइमिस e. का क्या रोल है बॉडी में यू नो दैट एपीडिडाइमिस का रोल जो आपके बॉडी में है वो यहां पे जो टेस्टिस स्पम का फॉर्मेशन करता है वो स्टोर और मैच्योर होगा क्या होगा एकदम क्लियर याद रखना है आपको एपीडाइमिस e. का फंक्शन एकदम सिंपल फंक्शन है यहां पे टेम्परली स्टोरेज ऑफ स्पम स्टोरेज ऑफ स्पम आपको दिखेगा सेकेंड नंबर पे मैचोरिटी ऑफ दिखेगा क्या दिखेगा मैच्योरिटी ऑफ स्पम दिखेगा इट इटमींस दैट हम इपीडाइमिस की बात कर रहे थे तो इपीडाइमिस में जो स्पम यहां से रिलीज होते हैं वो स्टोर होते हैं और स्टोर हो करके क्या होंगे मैचोर होंगे लेकिन याद रखिएगा यहाँ का जो स्टोरेज है वो स्टोरेज टेम्पररी होता है परमानेंट नहीं होता है यहाँ टेम्पररी स्टोर होने के बाद इस पम आगे बढ़ता है कहाँ जाएगा आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि अब इस पम यहाँ से कहाँ आपको नजर आने वाला है अब आप देखोगे नेक्स्ट नंबर पे क्या है पी e. इमिस यहां से पास आउट होगा याद रखिएगा तो स्क्रोटम बेटा आप ध्यान दीजिएगा जो स्क्रोटम का ये एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया जो दिख रहा है रेड से मार्क हम कर रहे हैं ये एरिया जो दिख रहा है ये एरिया इनग्विनियल कैनल कहा जाता है क्या कहा जाता है यहां पे? इनग्विनियल इनग्विनियल कैनल कहा जाता है एंट्री ऑफ वाच डिफरेंस इन टू एबिनि वाच डिफरेंस यहां से, 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 से कहा अटैच हो रहा है यह बॉडी के अंदर आ रहा है तो स्क्रोटम बॉडी के बाहर है तो वाच डिफरेंस बॉडी के अंदर कैसे आएगा हाउ टू एंटर इन टू दॉडी तो इट एंटर इंटू द बॉडी वाई देल्प ऑफ इनग्विनियल कैनल ये इनग्विनियल जो कैनल आपका है यह फैसिलेट करता है एंट्री ऑफ एंट्री ऑफ वासके नेक्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं जो हमारा वॉस डिफरेंस है ये यहां पर देखिए यह जो रेड लाइन आपको दिख रही है पूरा का पूरा यह वॉस डिफरेंस की लाइन है ये पूरा यहां तक वास्ट डिफरेंस होगा जहां तक रेड लाइन हमने बना रखी है वाश डिफरेंस बाई नेम यहां पे हम लेबल कर ले रहे हैं वाज डिफरेंस का मेजर रोल क्या है वाज डिफरेंस इस पंप को कैरी करता है कहां से एपी से यह कैरी करेगा और इसे कैरी करके कहाँ तक कैरी करेगा इजाकुलेटरी डक्ट तक ले जाएगा यहाँ पे अब आगे आपको कुछ अदर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे अभी उस पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ ये वास्ट डिफरेंस रेड लाइन यहाँ पर देखिए क्लियरली वास्ट डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है एंड जो अदर स्ट्रक्चर आपको भी दिखेंगे उसके भी रोल हम लोग समझेंगे ओके तो वास्ट डिफरेंस का क्या रोल है क्लियरली आपको याद होना चाहिए इट कैरी स्पम फ्रॉम ई पी डी डायमिस टू इजाकुलेट्री डे तो कहां तक ले जाएगा तक ले जाएगा वो कहां पे है अभी क्लियरली हम लोग यहां पे देखेंगे आप ध्यान दीजिएगा अदर नेम है उनका क्या रोल है हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आप देखो यहां पे ग्लैंड आपको दिख रही है सेमिनल वेस्किल दूसरी ग्लैंड दिख रही है प्रोस्टेट ये दोनों नेम हम लोगों ने अभी अभी लिखा था बट यहां पे जो तीसरा नाम हमने लिखा था बल्बो युथ्रल लैंड वो नजर नहीं आ रही है तो याद रखिएगा वो इन्हीं के पैरेलल में यहां पे जब यूरेथ्रा जहां से इनिशिएट होता है बेटा याद रखिएगा यहाँ या यूरेथ्रा देखिए लेबल होगा यहां से ये आगे यूरेथ्रा कंटिन्यू हो रहा है ओके okay. तो यहां आप देखिएगा यूरेथ्रा जैसे कंटिन्यू करेगा यहाँ रेड लाइन जहां पर हमने ये राउंडेड बना रखा है बेटा आपने देखा कि यहां पे जो बल्ब रिथ्रव लैंड है यहाँ हमने मार्क कर रखा है आप लोगों के लिए तो क्लियरली आप देखोगे कि जो बल्बर ग्लैंड है ये क्या रोल प्ले करता है या क्या इनके फंक्शन है तो पहले हम लोग लिख लेते हैं बल्बर ग्लैंड ओके okay. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात हम आपको बताने वाले थे कि जो स्ट्रक्चर हमारा था कि वास्ट डिफरेंस के बाद हमने आपको कनेक्टिविटी आगे हमने रिप्रेजेंट नहीं किया आप लोगों को हमने बताया एकदम सिंपल कि पहले हम यहाँ ग्लैंड क्यों रिप्रेजेंट करने लगे बेटा याद रखिएगा जो हमारे रिपोर्टिव डक्ट्स होते हैं ये डक्ट कहाँ पर आ रहे हैं ये डग टेस्टिस से अराइज होते हैं और अराइज होकर आप देखोगे धीरे धीरे ये यूरेनरी ब्लैडर यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैडर लिखा हुआ ये यूरेनरी ब्लेडर याद रखिएगा यूरेनरी ब्लैडर है इसके ऊपर से आप देखो यहाँ से डक्ट आ रहा है तो डक्ट जब कंटिन्यू आगे होगा कंटिन्यू होते समय आपको दिखेगा कि ग्लैंड से एसोसिएट होता हुआ आएगा तो क्या ग्लैंड एसोसिएट होने के बाद चेंजेस आते हैं नेम में चेंजेस आते हैं या कोई स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो याद रखिएगा सो सिंपल कहानी यहाँ पे जैसे ही ग्लैंड अटैच होती हैं ये नेम चेंज होने लगते हैं और ग्लैंड्स के रोल भी हम वन बाई वन अभी बाद में डिस्कस करेंगे बट बाई नेम अभी हम लोग डिस्कस करें कि रिप्रोडक्टिव जो डक्ट हैं वो कैसे चेंज होते हैं तो आइए यहां पे बात करते हैं जो वास्ट डिफरेंस आपको दिख रहा होगा ये वास्ट डिफरेंस एट द टाइम ऑफ अटैचमेंट ऑफ उट सेमिनल किस किसकी हम बात कर रहे हैं सेमिनल जहां पे आप देख रहे हो यहाँ ये स्ट्रक्चर सेमिनल वेस्किल का है बगल में एक लेंटाइप स्ट्रक्चर होते हैं वास्ट डिफरेंस यहाँ अटैच होने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा ये स्ट्रक्चर हमारा जो स्मॉल स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे इस स्मॉल स्ट्रक्चर को हम इजाकुलेटरी डक्ट कहेंगे ओके यहां पे आपको एक स्पेशल डक्ट नजर आएगी जिन्हें हम इज़ा डक्ट कहेंगे इजाकुलेटरी डक्ट का क्या वर्क होता है यू नो दैट स्पम जो मूव कर रहा है टेस्टिस से वो किसके थ्रू आ रहा है वॉश डिफरेंस के थ्रू आ रहा है वॉश डिफरेंस लेके आ रहा है ओके कोई डाउट नहीं है वॉश डिफरेंस जैसे ही यहां पे लेके आएगा सेमिनल वेस्किल जो ग्लैंड पहली ग्लैंड आपको यहां नजर आ रही है ये ग्लैंड क्या फंक्शन प्ले करने वाली है ये ग्लैंड यहां से सेमिनल प्लाज्मा को रिलीज करने वाली है सेमिनल आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो आपका ये सेमिनल वेस्कल दिख रहा है इसका क्या रोल है ये अटैच होने के बाद जो वॉश डिफरेंस आपका आ रहा है यहाँ पे वो किस नेम से आप कॉल आउट करोगे तो आप ध्यान देना कि ये जो आपका सेमिनल वेस्कल है ये प्रॉपर रोल प्ले करता है सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करने का तो हम आप देखेंगे यहां पे सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल वेस्किल जो ग्लैंड हैं ये रिलीज करते हैं और ये सेमिनल प्लाज्मा यहाँ जो वास्ट डिफ़रेंस है स्पम्प कैरी आउट हो रहा है टेस्टिस से सेमिनल प्लाज्मा यहाँ उनसे मिल जाएगा मिलने के बाद आप जानते कि हो कि सीमेन का फार्मेशन होगा सीमेन कहाँ बनेगा सीमेन का फार्मेशन इजाकुलेट्री डक्ट में होगा किसके थ्रू होगा सेमिनल प्लाज्मा के थ्रू इट मीनस दैट यदि हम बात करते हैं इजाकुलेटरी डक्ट का अपने तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इजाकुलेटरी डक्ट में सीमेन का फार्मेशन हो जाएगा अब कंपोनेंट की हम यदि बात कर लेते हैं कि हमारा जो सीमेन है एक वर्ड आप याद रखिएगा सीमेन सीमेन की यदि हम बात करते हैं तो सीमेन में कंपोनेंट आपको क्या दिखेगा तो सीमेन में जो कंपोनेंट आपको नजर आएगा वह सिंपल कंपोनेंट होगा स्पर्म, स्पम प्लस सेमिनल प्लाज्मा का सेमिनल प्लाज्मा तो ध्यान देना यहां पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो सीमेन सीमेन का फॉर्मेशन आप लोगों को दिखेगा इजाकुलेटरी डक्ट में होता हुआ ओके तो आइए हम बात करते हैं बेटा यहाँ बेसिक रोल समझ रहे हैं याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि, यहां पे देखा कि हां तो बेसिक रोल में हम लोग सिंडल प्लाज्मा सिमनल की बात कर चुके हैं नेक्स्ट नंबर पर जो आपको रोल हम बताएंगे आप देखो प्रोस्टेट लैंड आपको दिख रही है प्रोस्टेट लैंड देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग ये इजाकुलेटरी जैसे ही आगे आएगी यहाँ पे एक आपको ये ग्लैंड यहां पे लार्ज ग्लैंड सिंगल ग्लैंड नजर आ रहा होगा वी सेप का पीनट टाइप का तो ये लार्ज जो ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ओके तो जो आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका क्या रोल है इट आल्सो रिलीज सम न्यूट्रिशनल फ्लूट व्हिच फॉर्म सीमेन तो सीमेन का जो फॉर्मेशन है सिंडल प्लाज्मा और सेमिनल प्लाज्मा के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड के जो आपको कंपोनेंट्स दिखेंगे जो रिलीज दिखेगा वहाँ भी आपको नजर आएगा ओके नेक्स्ट नंबर पे थर्ड ग्लैंड हम आपको बताने वाले हैं बल्बो यूरेथ्रो ग्लैंड आप देखिए जो बल्बो येथ्रो ग्लैंड है ये कहाँ पे है बल्बो जस्ट यूरेथ्रा जहाँ से इनिशिएट हो रहा है आप देखो यहाँ पे एक ट्यूब यहाँ पर आगे कंटिन्यू हो रही है जो पेनिस में रन करती है तो ये कंटिन्यू ट्यूब को हम यूरेथ्रा बोलते हैं तो यूरेथ्रा का जो अर्लियर पार्ट इनिशियल पार्ट होता है उसे हम लोग इनग्विनियल यूरेथ्रा एंड जो पीनियल में है, उसे पीनियल यूरेथ्रा बोलते हैं बट यहाँ पे हमें समझना ये है कि इनिशियल इनिशिएशन पे कौन सी ग्लैंड यूरेथ्रा से अटैच है आप देखोगे यहाँ आपको दिखेगा कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो हैं ये इनिशियल फेज पे यूरेथ्रा से अटैच होती हैं इसका रोल क्या है जस्ट लाइक like, जैसे ये ग्लैंड आपने देखा सिंडल विस्किल हैं इजोकुलेटरी डक्ट हैं यहाँ भी इनका रोल आप देखेंगे ये नियर अबाउट एल्कलाइन फ्लूड मीन्स बेसिक बेसिक फ्लूड को रिलीज करते हैं बिफोर द रिलीज ऑफ सीमेंट किसके पहले सीमेन रिलीज होने के पहले यहां पे आपको दिखेगा कि एक फ्लूड रिलीज करते हैं जो पेनिस में प्रेजेंट यूरेथ्रा में प्रेजेंट यूरिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करता है ओके तो आप देखो यूरेथ्रा है यूरेथ्रा फिर फर्दर सीमेन को कैरी आउट करेगा जो एक्सटर्नल ऑर्गन यहां पे है एक्सटर्नल ऑर्गन पेनिस है इसके थ्रू इजाकुलेट किया जाता है ड्यूरिंग कापुलेशन इन फीमेल बॉडी ओके बट हमने आपको कहा था ये बेसिक है हम लोगों ने बेसिक फंक्शन भी डिस्कस किया है अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे बिकॉज बेटा देखिए बेसिकली फंक्शन तो आपसे जो पूछा जाएगा आप बता दोगे बट वन बाय वन हमें डिटेल स्टडी करनी है तो सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस ओके तो आइए हम लोग देखिए यहां पे आपके सामने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बना हुआ है ओके okay, ध्यान दीजिएगा आप लोग टेस्टिस अभी हमने आपको पहले भी बताया कहाँ पे बेटा प्रेजेंट होता है टेस्टिस प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में इनसाइड आप चलोगे तो टेस्टिस का ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये पूरा रेड लाइन भी हम मार्क कर रहे हैं ये पूरा का पूरा टेस्टिस है इंटरनली आप देखोगे तो इंटरनली टेस्टिस कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है यहाँ पे देखिए ये कंपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको तो ये जो कंपार्टमेंट में इंटरनली टेस्टिज डिवाइडेड है इस कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इंटरनली जो के कंपार्टमेंट हैं इसे हम क्या बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं ओके तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नंबर की यदि हम बात कर लें यहां पे इनके कितने नंबर नियर अबाउट पाए जाते हैं तो यू नो दैट टेस्टिस के जो नंबर हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के 152 हंड्रेड फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड के आसपास पाए जाते हैं याद रखिएगा तो टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड क्या आपका मिलेगा ये हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आप ध्यान से देखिए इनके इनसाइड आप देखोगे ग्रीन स्ट्रक्चर से यहां पे स्ट्रक्चर एक क्वाइल स्ट्रक्चर बना हुआ है आप देखिए यहां पे ये क्वाइल स्ट्रक्चर जो आपको इनसाइड दिख रहा है ये कौन सा स्ट्रक्चर इसका नंबर कितना होगा तो ये क्वायर्ड स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे भी बने हुए सभी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में है इनसाइड सब में है देखिए ग्रीन से हम रेड से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं क्या ये स्ट्रक्चर्स सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहे जाते हैं क्या कहे जाते हैं बेटा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहे जाते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते क्या हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हमारे फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस हैं क्या है फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस टेस्ट यहां पे में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं जो इस का फॉर्मेशन करती हैं तो इन्हें हम फंक्शनल यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सेमी फ्रेस्टिब्यूल इनके नंबर कितने होंगे ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमि फ्रेस्टिब्यूल्स का जो नंबर आपको दिखेगा वो नियर अबाउट दो से तीन ही दिखेगा मतलब दो से तीन सेमनी फ्रेस्टिब्यूल्स एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाए जाते हैं अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे जितने भी सेमनी फ्रेस्टिब्यूल्स हैं वो कहाँ पे बेटा ओपन हो रहे हैं देखिए आप यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड एरिया है ये इनसाइड जाके इसी में ओपन हो जा रहे हैं सब ओके okay. तो ये देखिए आप सेंट्रल लोकेटेड जो एरिया आपको यहां पे किनारे की तरफ दिख रहा है ये पूरा का पूरा एरिया हाली नेटवर्किंग एरिया है और ये हाली नेटवर्किंग एरिया जो आपको दिख रहा है ये एरिया रेटी टेस्टिस कहा जाता है रेटी टेस्टिस का क्या रोल होगा रेटी टेस्टिसम जो आपका सिमनी फ्रेश टिब्यूल अभी भी हमने कहा आप देखिए यहां पे है सेमनी फ्रेस टिब्यूल जो है ये टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट है ओके तो ये स्पम का फार्मेशन करेगा हारमोन का फार्मेशन करेगा तो स्पम कौन सी सेल बनाएंगे अभी हम डिस्कस करेंगे इनमें सेल के नाम बताएंगे हम आपको ये बनने के बाद यहां से माइग्रेट होता हुआ कहाँ पे आएगा सेमीफ्रेस टिब्यूल्स में आएगा ओके सेमीफ्रेस्ट टिब्यूल से ये यह टेस्टिस में आएगा रेटी टेस्टिस से कहा जाएगा आप आगे देखो यहां पे एकदम सिंपल स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा ये इपिडाइमिस है इपिडाइमिस में छोटे छोटे यहां पे एक, एक लाइक स्ट्रक्चर एंटर करते हैं जिसे हम वास कहते हैं वास एफ्रेंशिया। वास वास्रेंसिया के थ्रू जो स्पम है वो रेटी टेस्टिस से इपिडाइमिस में एंटर करेगा और इपिडाइमिस में हमने अभी फंक्शन आपको बताया था कि स्टोरेज का वर्कआउट करता।, करता है किसका वर्कआउट करता है स्टोरेज का वर्कआउट करता है ओके तो आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे अभी हमने कहा कि हम सेमनी फ्रेस्टिब्यूल्स के सेल्स के विषय से में समझेंगे यहाँ पे सेमनी फ्रेस्टिब्यूल्स में कौन सी सेल पाई जाती हैं तो ध्यान देना बेटा कि सेमनी फ्रेस्टिब्यूल्स हमारा जो है वो वहां पे कौन सी सेल आपको दिखेंगे तो सेमनी फेस्टिव में यहां पे थ्री काइंड ऑफ सेल आपको नजर आएंगे थ्री काइंड ऑफ सेल दिखेंगे आपको ओके तो फर्स्ट सेल आपको देखेंगी जम सेल जम सेल्स सेकेंड नंबर पे आप देखोगे यहां पे आपको सर्टोली सेल दिखेगी थर्ड नंबर पे आपको दिखेंगे लेडिक सेल लेडिक सेल्स तो आप देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सी कहानी थी कि सेमनी फेस्टिव्यूल्स में हमने अभी भी आपको कहा कि ये क्या है फंक्शनल यूनिट है तो फंक्शनल यूनिट है आप ध्यान से देखिएगा इनमें हमें रूल समझना होगा इस्पम का फार्मेशन एंड हार्मोन्स का फार्मेशन कौन सी सेल करेंगी सबसे इंपॉर्टेंट मैटर आपके लिए ये है ओके तो आप देखें कि जो जम सेल आपकी है ये जम सेल स्पर्मेटोगोनिया बनाती है एंड दी स्पर्मेटोग फॉर्म स्पम ये स्पम का फार्मेशन करते हैं ओके दूसरे नंबर पर सरटोली सेल है सरटोली सेल का बेसिक रोल क्या होता है सरटोली सेल का बेसिक रोल होता है कि ये डेवलपिंग जो हमारे स्पर्मेटोजुवा होते हैं स्पम होते हैं इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इट मीनस दैट सर्टोली सेल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग नरिशमेंट टू डेवलपिंग ओके लास्ट सेल हम देखते हैं हमारा लेडिक सेल है लेडिक सेल आप देखोगे ये सेल रियल में सेमी फ्रेश सेमीफ्रेस्टिब्यूल्स के इन बिटवीन दिखता है कहाँ दिखता है जैसे आप देखोगे कि हमारे सेमी फ्रेश फ्रेस्टिब्यूल्स हैं तो यहाँ पर देखिए रेड रेड हमने मार्क कर दिया ऐसे बीच में जगह जगह पे हमें नजर आएंगे उसके अंदर नहीं होंगे उसके बाहर की तरफ हमें दिखेंगे तो जो जो सेल आपको बाहर दिख रहे हैं तो इनका जो रिलीजमेंट या सिक्रीशन है वो इसके अंदर नहीं आएगा याद रखिएगा इनका सिक्रीशन कहाँ आपको दिखेगा इसका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में जाएगा क्यों रीजन ये है लेडिक सेल्स मेल सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं यदि ये मेल सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं तो ये हारमोन बनाएंगे ये हारमोन्स डायरेक्टली कहाँ रिलीज होके जाएंगे ब्लड में रिलीज होके जाएंगे ओके तो हमने इसमें क्या समझा हमने देखा कि यहाँ पे जो इंटरनल टेस्टिस है इसका मेन फंक्शनल यूनिट है क्या तो मेन फंक्शनल यूनिट जो आपने देखा वो है सेमनीफेरेस्टिब्यूल्स और इंपॉर्टेंट मैटर क्या आता है सेल्स इनमें जो सेल्स हैं इनका फंक्शन आपको याद रखना होगा आप चाहे नीट का एग्जाम देंगे ट्वेल्थ सी बी एस ई का एग्ज़ाम देंगे आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा ओके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये सेल हैं इन सेल्स के क्या रोल होते हैं बेटा हमने आज के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा हमने देखा कि आप ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बेसिक फंक्शन हैं वो क्या हैं टेस्टिस इंटरनली कैसे बना हुआ है और इनमें स्पम का फार्मेशन कौन सी सेल करती हैं कमिंग क्लास में हम लोग इस पर और आगे स्टडी करेंगे ये देखेंगे कि अदर ग्लैंड्स या अदर पार्ट जो हैं मेल रिपोर्टिंग सिस्टम के वो क्या बनाते हैं ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन विजन पॉइंट क्लासेस बेटा आप कोई क्वायरीज हो तो दिस